मित्रों, अभी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तथा कर्नाटक के संगठन के लंबे समय से काम करने वाले हमारे आदरणीय प्रभारी अरुण सिंह जी औपचारिक रूप में कर्नाटक की आने वाले विधानसभा जिसकी नॉमिनेशन 13 तारीख से शुरू होकर 20 तारीख तक चलेगा और 10 मई को चुनाव होगा। आप लोगों के मन में भी उत्कंठा थी। इस बार पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने के नाते, विधानसभा स्तर की ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, पार्टी की रेस्पॉन्सिबल कार्यकर्ताओं की कंसल्टेशन की प्रक्रिया पूरा किया इसी महीने, पिछले महीने की 31 को। फिर फर्स्ट और सेकेंड कर्नाटक के सारे 31 जिले में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। 25,000 से ज्यादा ग्रासरूट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट संगठन के कार्यकर्ता उस कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट किए। फिर 1 और 2 तारीख में कर्नाटक की डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप से स्टेट की लीडरशिप, हमारे नेता आदरणीय येदियुरप्पा जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोम्मई जी, प्रदेश के अध्यक्ष नलिन कटील जी तथा तमाम वरिष्ठ नेता, जिला की लीडरशिप से चर्चा किया। फिर 4-5-2 दिन स्टेट इलेक्शन कमिटी बेंगलुरु में बैठी, उन्होंने पैनल बनाया, विधानसभा स्तर की रिकमेंडेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिकमेंडेशन, उसको लेके डिटेल पॉलिटिकल एनालिसिस करते हुए हमने फिर स्टेट इलेक्शन कमेटी को के अंदर हम लोग मिले। फ्रेंड्स, आज बीजेपी जो डेमोक्रेटिक पार्टी, वी हैव रन थ्रू ए कंसल्टेशन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम असेंबली लेवल टू स्टेट लेवल, इन्वॉल्विंग मोर देन 25,000 ग्रासरूट वर्कर, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव। वी हैव कंप्लीटेड आवर कंसल्टेशन प्रोसेस। कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमिटी रिकमेंडेड ए पैनल ऑफ नेम्स टू सेंट्रल इलेक्शन कमिटी। सेंट्रल इलेक्शन कमिटी इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल लीडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, नेशनल प्रेसिडेंट श्री जगत प्रकाश नड्डा जी प्रिजाइड ओवर द मीटिंग, ऑल द इंपोर्टेंट लीडर्स, ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल अमित शाह जी, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बी एल संतोष जी एंड ऑल द सीनियर लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन कमिटी, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी, विद डिटेल डिलीवरेशन। टूडे with the recommendation of Central Election Committee, now we are going to announce ...189... candidates for forthcoming assembly election of Karnataka. Before formally announcing the candidates, if I say in one sentence what is the basic feature of this consultancy process and what is the outcome, mitro, ek rajnaitik aur prajatantrik party ke nate, democratic party ke nate, is prakriya ko pura karne ke baad 21vi sadi mein
the people of this country has again and again reposed faith on Bharatiya Janata Party and our leader Sri Narendra Modi ji. In his leadership, India will go to a new heights. He is a visionary leader. Now we are popularly coined a word, double engine Sarkar. This is now accepted by almost all the states, and whether it is a provincial election or election for government of India, election for parliament of India. And today, youthfulness, freshness, new representative with new ideas, leader for next generation, and we all know Karnataka has its own character. Karnataka is citadel of knowledge, citadel of new economy. 21वीं सदी की भारत नहीं दुनिया की नई अर्थनीति की एक प्रमुख स्थान कर्नाटका है. उस कर्नाटका की विधानसभा में एक नया जेनरेशन की लीडरशिप आए, फ्रेश आइडियाज के साथ आए, नयापन के साथ आए. मैं एक ही कैरेक्टर आज इस चुनाव समिति की रिकमेंडेशंस के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे. हमें पूरा विश्वास है कर्नाटक की चुनाव प्रक्रिया इज ऑन. वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड different mass contact programs by party and the popular government of Sri Bommai ji, and Prime Minister Modi himself campaigned and went to all part of state, and further he will also campaign for the state in the election. And with today's declaration of our candidate, the process is a step ahead.